हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू विजय आर्ट्स। और आज का वीडियो एक काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है, आप लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट करी थी इस ड्राइंग के लिए। तो आज के वीडियो में हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं माँ दुर्गा को। एंड इस ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे रफ स्केचेस ड्रॉ किए थे। एंड अगर आपको ये बात पता होगी कि जब भी मैं इस तरह से ड्राइंग ड्रॉ करता हूँ तो पहले मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लेता हूँ और इस तरह से रफ स्केचेस ड्रॉ करता हूँ। एंड ये वाला रेफरेंस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और इस रेफरेंस को ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे मल्टीपल रेफरेंसेज यूज़ किए हैं। एंड उन सबको कंबाइन करने के बाद मैंने ये कुछ ड्रॉ किया है और ये मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने सोचा कि उन्हें इसको थोड़ा सा और बड़े पेपर पे ड्रॉ किया जाए अच्छे से। एंड आप लोगों के लिए एक अच्छा सा ट्यूटोरियल भी बन जाएगा। तो इसको बड़े पेपर पे हम लोग ड्रॉ करने के लिए ग्रिड मेथड का यूज़ करेंगे। एंड स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ऑल गाइस, तो स्टार्ट करेंगे हमारा आज का वीडियो। एंड यहाँ पे मैं A4 साइज़ का पेपर यूज़ कर रहा हूँ, आप भी कोई भी नॉर्मल सा A4 साइज़ का पेपर यूज़ कर सकते हो। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ने वाली है एक स्केल की और यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ने वाली है एक पेंसिल की। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल सी अपनी एक मैकेनिकल पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ, सिंपल सी ये फ्लेयर की मैकेनिकल पेंसिल है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, हमें एक बॉक्स ड्रॉ करना है सेंटर में इस पेपर के, और वो बॉक्स होगा हमारा 15x18 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहले 18 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस निकाल लेना है पेपर के सेंटर में। तो उसके लिए यहाँ पे मैं पहले ऊपर 4 सेंटीमीटर का जो है गैप छोड़ के नीचे तक यहाँ पे उस पॉइंट से रख के 18 सेंटीमीटर का मार्क कर लूँगा। इस तरह से हमें वर्टिकली भी जो है 15 सेंटीमीटर का पॉइंट मार्क कर लेना है और मैं यहाँ पे 3-3 सेंटीमीटर का गैप दोनों तरफ छोड़ के जो है 15 सेंटीमीटर का गैप निकाल लूँगा। तो ये करने का मतलब हमारा यही है कि हमें इससे जो है एक सेंटर में हमारा बॉक्स मिल जाएगा पेपर के एकदम सेंटर में। एंड हमारा ड्राइंग जो है देखने में थोड़ा और अच्छा लगेगा और वो पेपर के एकदम सेंटर में होगा। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा बॉक्स जो है वो रेडी हो गया है। ऑलराइट, इतना हो जाने के बाद अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और अब हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी है पॉइंट्स, अब हम यहाँ पे ग्रिड्स ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हमें पॉइंट्स को मार्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 3-3 सेंटीमीटर पे पॉइंट्स को मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, आपको नीचे यहाँ पे दिख जाएगा, आप उन पॉइंट्स को मार्क कर सकते हो। एंड चारों तरफ हमें 3-3 सेंटीमीटर पे पॉइंट्स को मार्क कर लेना है। ऑलराइट, पॉइंट्स को मार्क करने के बाद अब हमें उन्हें कनेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। ओके गाइस, तो ये हो गया हमारा बॉक्स रेडी, हमारी ग्रिड्स रेडी। एंड अब हमें यहाँ पे पेपर को रोटेट कर लेना है और यहाँ पे मैं नंबरिंग ऐड कर दे रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी मैं किस बॉक्स में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ऊपर यहाँ पे हमें 5 बॉक्सेस मिल जाएंगे और नीचे की तरफ हमें 7 जो है वो कॉलम्स मिल जाएंगे या रोज, मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ अक्सर कॉलम्स और रो में, तो ये समझ आना आप लोग। ठीक है, तो ऊपर हमें 5 बॉक्स मिल गए और नीचे की तरफ हमें 7 जो है रोज और कॉलम्स बराबर। ओके, तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले स्टेप की तरफ। और यहाँ पे अब मैं डार्क पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ, ब्रिस्टो ब्रांड की ये बी पेंसिल है। तो डार्क पेंसिल को यूज़ करने का रीज़न ये है जिससे आपको समझने में आसानी हो और दिखाई आपको अच्छे से दे। ठीक है, एंड यहाँ पे साइड में मैंने रेफरेंस पिन कर दिया है, तो आप रेफरेंस को देखते रहो और जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसको भी देखते रहो। ठीक है, और एग्जैक्टली यहाँ पे मैं एकदम रेफरेंस को कॉपी नहीं करूँगा बिकॉज वो एक रफ स्केच है। तो यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़े और यहाँ पे मैं अपनी ड्राइंग में भी थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करता रहूँगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या करना है, पहले मैं पॉइंट्स को मार्क कर लेता हूँ जिस बॉक्स में मुझे ड्रॉ करना है, जिस लाइन को ड्रॉ करना है। तो वो मैं पहले पॉइंट्स मार्क कर लेता हूँ, फिर उन्हें आपस में कनेक्ट करता हूँ। तो इससे थोड़ा सा इजी हो जाता है प्रोसेस और आपको जो है लाइन भी वो ड्रॉ करने में प्रॉब्लम नहीं होती और आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपको बॉक्स में कितने डिस्टेंस पे किस तरह से लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यही करते हुए हमें पूरी अपनी ड्राइंग को ड्रॉ करना है। एंड बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आप वीडियो को अच्छे से देखते रहो। वीडियो की स्पीड यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा है तो आप उसको कम कर लेना, यूट्यूब में वो ऑप्शन मिल जाता है। तो कोई अब यहाँ पे शिकायत नहीं करेगा कि वीडियो की स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, तो आप उस ऑप्शन को यूज़ करो और वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा कम कर लेना एंड वीडियो को देखो। और जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जिस बॉक्स में जो शेप जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ उसको फॉलो करते रहो। एंड आइस को ड्रॉ करने के लिए अगेन मैंने यहाँ पे वही चीज़ करी है, मैंने यहाँ पे पहले पॉइंट्स को मार्क कर लिया है एंड फिर उस हिसाब से यहाँ पे मैंने लाइंस को ड्रॉ करना स्टार्ट किया है। ठीक है,
ओके, जैसे आप देख रहे होंगे वीडियो में मैंने यहाँ पे कई जगह पे एडजस्टमेंट किए हैं छोटे मोटे, और वो इसलिए क्योंकि मुझे जो मेरा रफ स्केच है उसमें थोड़े से चेंजेस करने थे, और इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़े थोड़े एडजस्टमेंट करे हैं अपनी ड्राइंग में साथ के साथ, और इस वजह से यहाँ पे मैं बार बार जो है इरेज कर रहा हूँ, तो वो एक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग रेफरेंस को फॉलो करके रेफरेंस की तरह भी ड्रॉ कर सकते हो, और जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। थोड़े छोटे मोटे चेंजेस हैं वो हम लोग यहाँ पे करते रहेंगे। Thank you.
ऑलराइट गाइस, तो हमारा ड्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है एंड अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक इरेजर की हेल्प से जो हमारी स्टार्टिंग में हमने ग्रिड्स ड्रॉ करी थी उन्हें इरेज कर लेंगे, ठीक है। और जो जो स्मॉल एरियाज हैं जैसे कि ये आइज़ वगैरह के अराउंड, वहाँ पे आप लोग इरेजर का एज यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए इरेज करना। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे ग्रिड्स को इरेज कर लिया है एंड अब यहाँ पे मैं 4B पेंसिल लेकर थोड़ा ड्राइंग को और डार्क कर रहा हूँ क्योंकि ये भी बहुत लाइट लग रही है एंड जिससे आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझने में थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम हो रही होगी। तो यहाँ पे मैं हल्का सा एक बार ड्राइंग को पूरा कम्प्लीटली इरेज कर रहा हूँ, मतलब पूरा कम्प्लीटली इरेज नहीं कर रहा हूँ, हल्के हाथों से लाइटली इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे आप 4B की मदद से जो है एक बार कम्प्लीटली फिर इसको अच्छे से क्लीन तरीके से डिटेल में इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड गाइज, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि इस टाइप की वीडियोस चैनल पे मैं अपलोड करता रहता हूँ। आप लोग की रिक्वेस्ट को मैं जितना हो सकता है उतना पूरा करने की कोशिश करता रहता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना एंड कमेंट करके आप बता सकते हो कि आप लोगों को नेक्स्ट ड्राइंग ट्यूटोरियल किस चीज़ का चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी इस ड्राइंग का ट्यूटोरियल बनाऊँ। ऑलराइट गाइस, तो ये है हमारा आज का कंप्लीट स्केच और ये बहुत ही सिंपल सा मैंने ड्राइंग ड्रॉ किया है माँ दुर्गा का एंड आई होप कि आप लोगों को ये ड्राइंग पसंद आया होगा। ये थोड़ा सा अलग है, बाकी जो आप लोगों को रेफरेंस यूट्यूब पे मिलेंगे उनसे काफ़ी अलग है, तो ये मैंने कुछ अलग अपना ट्राई किया है एंड आई होप कि आप लोगों को ये ड्राइंग ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मैं दोबारा एक बार कह रहा हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना एंड मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ड्राइंग।